कि सर अपने सर को अपने टीचर्स को अपने पूरे बायोमेडिकल टीम को ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए, उन पर संदेह मत करिए, क्योंकि सर हम लोगों का भला ही चाहते हैं। कि सर ने जो जो मार्क कराया था 90% में से 90% बायोलॉजी के उसी में से आए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। Hello everyone, I am Siddhant Kejriwal and I am an officer commander of biomedics classes online for past 3 years. I have B.Ed for NEET 2023 examinations and I have scored 644 marks with an on India rank 8744. Before joining biomedics, I scored 333 marks with such studies, but after joining biomedics, there was subsequent progress in my studies and I scored 644 marks. I would really like to thank all the teachers of biomedics classes online and the whole team of biomedics classes, because without them it was not possible for you to score 644 marks. सभी टीचर्स ने अपने तरफ से बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं। उन्होंने हर रोज हमें DTS प्रोवाइड किए, वीकली टेस्ट लेते थे सर लोग हम लोगों के, और तो सर लोग हम लोग का वीकली हर हफ्ते में एक बार हम लोग का डाउट क्लियरिंग सेशन होता था, प्लस सर लोग हम लोग को ऑफलाइन टेस्ट भी लेते थे। तो सभी चीज़ों से हम लोग को बहुत ज़्यादा हेल्प होता था अपने प्रिपरेशन करने में। मैं सभी चीज़ को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, पूरे बायोमेडिक्स टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, स्पेशली डॉक्टर दीदेरी सर, सैन मैडम, चिन्मय सर, डॉक्टर संजय सर, अमर सर, जावेद सर, वो भी उन लोगों ने हमें बहुत अच्छे से पढ़ाया, उनके बगैर मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। गिदेरी सर ने जो लास्ट में जो NCERT के सेशन किए थे जिनमें उन्होंने इंपॉर्टेंट लाइन्स मार्क कराए थे, सर ने कहा था कि ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, पर मैं सर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके गया था। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि सर ने जो जो मार्क कराया था 90% में से 90% बायोलॉजी के उसी में से आए हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं हुए हैं। और अमर सर ने लास्ट में जो रिविजन क्लासेस लिए थे फिजिक्स के लिए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए थे, पूरा फिजिक्स आराम से रिविजन हो गया था। प्लस लास्ट में सर दो हम लोगों को फिजिक्स के टेस्ट पेपर दिए थे, टेलीग्राम पर सर ने शेयर किया था, और वो क्वेश्चन पेपर करने के बाद बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था, ऐसा लग रहा था कि हाँ हम फिजिक्स सॉल्व कर सकेंगे एग्जाम में, क्योंकि मोरलेस बायोमेटर्स का पेपर का लेवल और नीट का लेवल बराबर रहता है। इनफैक्ट बायोमेटर्स का पेपर का लेवल एक स्टेप ऊपर ही रहता है, तो नीचे नहीं रहता है। तो वो फिजिक्स का पेपर सॉल्व करके ऐसा लग रहा था कि हाँ हम लोग सकेंगे, कि हाँ मैं सॉल्व कर पाऊंगा एग्ज़ाम में और मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा फिजिक्स को, क्योंकि सबसे ज़्यादा डर हमको फिजिक्स में ही लगता है हम लोगों को। फिर चिन्मय सर ने जो लाइव सेशन किए थे केमिस्ट्री का, उन्होंने बहुत अच्छे से पूरा केमिस्ट्री रिविजन करवा दिया। चिन्मय सर के जो कैलकुलेशन के स्किल्स थे वो हम लोगों ने सीखा, और मेरे लिए वो कैलकुलेटिव स्किल्स बहुत ज़्यादा काम है, क्योंकि वो स्किल्स सीखने के बाद एग्ज़ाम हुआ मैं बहुत इजीली कैलकुलेशन कर सकते थे हम लोगों को पता कॉन्फिडेंस था कि हाँ हम लोग थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेटली भी अगर आंसर निकालेंगे ना, तो चार ऑप्शन में से एक ना एक आंसर हम लोग को मिल ही जाएगा। संजय सर बहुत अच्छे से ही हम लोग को पढ़ाया, संजय सर ने हमें कहा था कि इनऑर्गेनिक के लिए NCERT को एक बार पढ़ के जाना है, तो मैंने NCERT पढ़ी थी, तो NCERT पढ़ने से इनऑर्गेनिक सही में बहुत अच्छे से हो जाती है, और नीट में NCERT के बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं आता है इनऑर्गेनिक में। बायोमेटर्स का शेड्यूल बहुत ज़्यादा टफ होता है मान्यता हूँ, पर बायोमेटर्स का शेड्यूल टफ इसीलिए है क्योंकि नीट एग्जाम भी बहुत टफ है, जब तक हम टफ शेड्यूल नहीं फॉलो करेंगे तब तक हम नीट एग्जाम को निकाल नहीं पाएंगे। बायोमेटर्स में हमें रोज़ DTS मिलते हैं, लेक्चर नोट्स मिलते हैं, और तो सबसे अच्छी बात बायोमेटर्स की जो हर वीक इन लोगों सर लोगों ने हम लोगों का टेस्ट लिया है, और बिना टेस्ट के हम लोग अपना प्रोग्रेस कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट हम लोग देंगे तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे कि हम लोग का नीट में कितना स्कोर कर सकते हैं। मेरा मन में यही था कि अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो यही घर में कर रहा हूँ, टेस्ट में कर रहा हूँ, तो सर लोग मेरी गलती सुधारेंगे, सर मेरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन करने के बाद जब रिजल्ट आता था अगले दिन, तो हर क्वेश्चन के पीछे वीडियो एक्सप्लेनेशन रहता था उस सवाल के बारे में, उससे ये पता चलता था कि हम लोग का कैलकुलेशन कहाँ अटका, और अगर कैलकुलेशन नहीं अटका तो ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट था जो हम लोग नहीं सोच पा रहे थे जिससे वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो मेरा मानना यही है कि जो गलती करना है हम यहाँ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, इन मतलब अगर हम एग्ज़ाम में करेंगे तो हम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो हम लोग को पूरा एक साल लग सकता है, फिर से हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा गलती होगा। बायोमेटर्स का टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग को हर वीक देना है बिना डरे, प्रिपरेशन हो चाहे नहीं हो हम लोग को टेस्ट में बैठना ये बहुत बड़ा बात है, क्योंकि टेस्ट में बैठेंगे तो हम अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा थोड़ा बहुत, जो भी सब है टेस्ट में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट स्किप नहीं करना चाहिए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, नीट एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं 50-60% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो डायरेक्टली या तो वीकली टेस्ट से आ जाते हैं या फिर DPS से आ जाते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन रहता है वो डायरेक्टली इन्हीं लोग इन क्वेश्चन में से डिराइव रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नया आ रहा है कि हम लोग नहीं सक रहे हैं। कभी कभी मुझे भी लगता था कि डिटेल्स बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पर आ रहे हैं बायोलॉजी में, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मैंने सर को ब्लाइंडली टेस्ट किया, मैंने सर पर कभी संदेह नहीं किया, और मैंने सर का पढ़ाया हुआ सब कुछ अच्छे से पढ़ के गया। तो मेरा मानना है कि सर जो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं वो हम ही लोग की भलाई के लिए पढ़ाते हैं, क्योंकि वो हम लोग को एक्स्ट्रा बफर प्रोवाइड करता है। जिस तरह से एग्जाम का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि NCERT के बाहर भी एक क्वेश्चन पूछा जा सके, क्योंकि प्रीवियस ईयर जब NTA नहीं था
उस टाइम पे पूछा जाता था। हम लोग अगर 20 इयर्स फॉलो करें लास्ट ईयर्स के, तो हम लोग देखेंगे जिस टाइम पे AIPMK होती थी उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो कि हम लोग को आज के टाइम के NCERT में नहीं मिलेंगे। तो ये 10 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ाते थे वो हमें बफर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर वो अगर अच्छे से अगर हम लोग करना चाह रहे हैं तो अगर सर जो पढ़ा रहे थे सब करेंगे तो हम लोग को एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं जाएंगे। सर ने जो जेनेटिक्स पढ़ाया, सर ने जो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में जो भी न्यूमेरिकल्स कराए वो बहुत अच्छे से कराए सर ने, और उसके कारण जेनेटिक्स ऐसा चैप्टर जो मेरे को एक टाइम पर टफ लगता था वो मेरे को सबसे ईजी वही लगने लगा बायोलॉजी में। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि सर को अपने टीचर्स को अपने पूरे बायोलॉजी टीम को ब्लाइंडली ट्रस्ट करिए, उन पर संदेह मत करिए, क्योंकि सर हम लोगों का भला ही चाहते हैं। सर अपने तरफ से पूरी एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन सिर्फ सर लोगों के एफर्ट करने से कुछ नहीं होगा, हम लोगों को अपने तरफ से पूरा एफर्ट डालना पड़ेगा क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम हम ही लोग को लिख के आना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा सर लोग पर पूरा विश्वास करें, सर जैसा पढ़ा रहे हैं जैसा बोल रहे हैं वैसे फॉलो करें। आप लोग एक साल अगर सर को पूरा दे देंगे तो हम लोग डेफिनेटली नीट एग्जाम निकाल पाएंगे। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि मैं कुए बायोमेडिकल टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बगैर मेरा जर्नी पूरा स्मूथ नहीं होगा। सो थैंक यू एडिया।